तो टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग रिपीटेडली क्या डेफिनेशन है इसकी क्या कह रही है डेफिनेशन कीप ऑन जो छोटा सा फ्रेज है छोटा सा स्ट्रक्चर है इंग्लिश में कुछ स्ट्रक्चर हैं कुछ फ्रेजेज हैं ये फ्रेजल वर्ब ही है ना जैसे गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है जैसे फ्यूल अप एक फ्रेजल वर्ब है ऐसे ही ये कीप ऑन भी फ्रेजल वर्ब है मगर कुछ फ्रेजल वर्ब इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो पूरे पूरे लेक्चर बन जाते हैं जैसे यूज टू ऐसा कोई काम जो किया करते थे मैं इंग्लिश बोला करता था अब नहीं करते पास्ट में किया करते थे मैं इंग्लिश बोला करता था यूज टू स्पीक इंग्लिश मैं लाहौर में रहा करता था आई यूज टू लिव इन लाहौर मैं लाहौर में रहा करता था तो यूज टू है जैसे गोइंग टू है करने वाले हैं आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट मैं क्रिकेट खेलने वाला हूँ आई एम गोइंग टू टेक क्लास मैं क्लास लेने वाला हूँ ऐसे कुछ फ्रेजेस मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि कुछ फ्रेजल वर्ब हैं कहने को तो फ्रेजल वर्ब हैं ओके इन द मैनर ऑफ सेइंग कहने को तो इन द मैनर ऑफ सेइंग दे आर फ्रेजल वर्ब बट दे आर वेरी स्ट्रांग दे आर वेरी यूजफुल दे आर वेरी फ्रूटफुल वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश मगर बहुत इंपॉर्टेंट है उसी में जैसे मैंने मिसाल दी यूज टू जैसे मैंने मिसाल दी गोइंग टू उसी तरीके से एक मिसाल है, keep on. Work, क्या बात करता है टू कंटिन्यू डूंग समीटेडली कोई काम जो आप करते रहते हैं रिपीटेडली कंटिन्यू डूंग समथिंग रिपीटेडली ऐसा कोई काम जो आप कंटिन्यू करते रहते हैं समथिंग का एस टी एच का मतलब है समथिंग

तो सब्जेक्ट सबसे पहले याद है ये भी भूल गया सब्जेक्ट गुल्लू भट्ट बताओ सब्जेक्ट क्या है फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं पर्सन पर्सन थर्ड वेरी एक टुकड़ा तो सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन प्लस वो अब प्लस ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एन एक्शन आई कीप ऑन यूजिंग मोबाइल लेट्स सपोज फॉर मी

हुसना से हम पूछते हैं भाई आप क्या करती रहती हैं घर में आप क्या करती रहती हैं तो मासूम बन के बोलती हैं कहती हैं सर आई कीप ऑन कुकिंग फूड मैं खाना बनाती मैं खाना बनाती रहती हूँ असल में तो कीप्स ऑन मेकिंग फूड ये बेवकूफ़ बनाती रहती हैं एनी वे जो सपाट फन था ओके okay, तो ये कहती हैं आई कीप ऑन कुकिंग फूड मैं खाना बनाती रहती हूँ ओके okay? मैं करता हूँ मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ ये अली क्या करते हैं फ्री टाइम में

Keep on playing game. जब डजेंट आता है तो एस हट जाता है तो करते रहते हैं ओके okay, मैं कहता हूँ क्रिकेट खेलते हैं आप कहते हैं यस सर आई कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट मैं क्रिकेट खेलता रहता हूँ चलें जान की अमान पाऊँ तो एक बात पूछूँ जो वोकेबलरी में देता हूँ वो याद करते हैं रिवाइज करते हैं तो आप जवाब आपका होना चाहिए यस सर फ्रॉम टाइम टू टाइम वर्क के साथ साथ फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रॉम टाइम टू टाइम यस 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 राइट 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 बिल्कुल यही सुनना था मुझे यही सुनना था फ्रॉम टाइम टू टाइम आई कीप ऑन रिवाइजिंग वोकैबुलरी फ्रॉम टाइम टाइम टू आई कीप रिवाइजिंग वोकैबुलरी वक्त के साथ साथ वक्त वक्त वक्तन फवक्तन मैं वोकैबुलरी रिवाइज करता रहता हूँ ओके okay? अच्छा एक और बात बस लास्ट बात फिर खत्म करते हैं मुझे पता है आप लोगों को जाना है फिर भी लास्ट बात अच्छा आई कीप ऑन यूजिंग मोबाइल मैं मोबाइल यूज करता रहता हूँ लेट्स सपोज ये कहती है शहनाज सर अब मोबाइल में वो मजा नहीं है वो फन नहीं है ये कहती है मैं पहले मोबाइल यूज करती रहती थी अगर ये मतलब लेक्चर पास्ट में जाएगा तो पास्ट इसका क्या हो जाएगा आई आई कीप ऑन ऑन का पास्ट क्या हो जाएगा यूजिंग मोबाइल मैं मोबाइल यूज करती रहती थी के, कीप क्या हो जाएगा कैप्ट हो जाएगा अब जब ये कैप्ट हो गया सेकंड फॉर्म आ गई तो ऑफ कोर्स नेगेटिव बनाने के लिए क्या होगा डिड नॉट इस्तेमाल करेंगे आई डिड नॉट कीप ऑन यूजिंग मोबाइल लाइक दिस सो यू अंडरस्टैंड

Or they keep on complaining and you keep on complaining also don't complain be thankful okay be grateful to the people grateful always be grateful to the people thank you very much please make some sentences for the keep on last work after that we are finishing the class thank you